सुग्रीव का वैराग्य जो था कहो तो तुरंत मिट गया और भगवान से कह लेके महाराज वो जो मैंने आपके सामने वाक्य दोहरा दिया था वो तो रटा रटाया वाक्य था। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला बंधु न हो मोर यह काला। उसका अभिप्राय ये कि विचार के मिथ्यात्व के द्वारा का उसको दृष्टांत के रूप में यो कहे कि भाई विचार के मिथ्यात्व का भी सदुपयोग है पर कब। मान लीजिए आप सत्संग में जाए और सृष्टि के मिथ्यात्व का भाषण आप सुने और सुनने के बाद आपके मन में संसार के प्रति आसक्ति और ममता कम हो जाए, संसार के प्रति आसक्ति कम हो ममता कम हो, मिथ्या कहने का अभिप्राय क्या हुआ? मिथ्या कहने का अभिप्राय व्यवहार थोड़ी मिट जाएगा, पर इसका अभिप्राय यह है कि हमारे अंतःकरण में मिथ्या के प्रति जो आसक्ति और ममता है वो मिट जाए। वो तो ठीक है, लेकिन कि आप सत्संग में आने वाले मिथ्या और संसार के सृष्टि के नश्वरता का वर्णन सुने तो आपको सार्थक लगेगा, किंतु कोई आपको बीमारी हो और आप डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर ही कहने लगे कि शरीर तो मिथ्या है, शरीर तो नाशमान है, एक न एक दिन मृत्यु होने वाली है, तो आप क्या चरणों में प्रणाम करेंगे क्या? ये आपको बड़े कृपालु है, आपने इतना ऊंचा ज्ञान दिया। अरे भाई आप जब डॉक्टर के पास गए हैं तो आप शरीर का रोग लेकर के गए हैं और शरीर के रोग के लिए उसका कार्य दवा देकर के रोग मिटाना है तो उसका कार्य जो है मिथ्यात्व का उपदेश देना है। भगवान राम का वेद मानो ये था, यहाँ अभिप्राय ये था कि भाई मिथ्यात्व के ज्ञान के द्वारा हमें जो रोग हुआ है भक्तों ने यही तो कहा। महाराज कई सब संतों ने सारे शास्त्रों ने कहा मिथ्या है मिथ्या है मिथ्या है, पर इतना होते हुए भी जब शरीर में रोग होता है जब मन में अशांति आती है तो समस्या का समाधान पाने के लिए ऐसी ईश्वर की आवश्यकता है कि जो ईश्वर हमारी सहायता करे, वो हमारे रोग को दूर करे, हमारे कष्ट और हमारे पीड़ा को दूर करे। और तब सुग्रीव ने स्पष्ट कह दिया वो जो वाक्य मैंने दोहरा दिया था वो नहीं सही है, मैं महाराज ये बाली नहीं, ये मेरा तो काल है, अब कृपा करके बुझाइए। भगवान ने कहा अब ठीक, अब हम तो बराबरी पर आ गए और अब तुम आ गए बराबरी। तो भगवान ने अपने गले से माला निकाली और गले से माला निकाल करके सुग्रीव को पहना दिया। ये माला क्या है? भगवान श्री राम ने दो कार्य किए, एक तो सुग्रीव को छू दिया अपने करकमलों के द्वारा और उनकी पीड़ा दूर कर दी, ये नाम की ओर संकेत था। और बाद में जब माला पहना दी तो माला के द्वारा भगवान के नाम का जप किया जाता है, ये नाम की ओर संकेत था। मानो रूप के चमत्कार के द्वारा जो वेदांत का ब्रह्म है वो हृदय में विद्यमान है पर वो किसी की पीड़ा नहीं दूर कर पाता है, कष्ट को दूर नहीं कर पाता है, पर भक्तों का जो ईश्वर है, भक्तों का जो भगवान है, वो जब अपने कोमल कर कमलों से अपने हाथों से छू देता है तो गोस्वामी जी ने कहा तद भाव पुलिस गई सब पीड़ा, सुग्रीव की सारी पीड़ा दूर हो गई। और सारी पीड़ा दूर होने के बाद भगवान ने अपने गले से माला निकाली और गले से माला निकाल करके पहना दिया, मानो अब सुग्रीव भक्त हो गए जिन्होंने भगवान के नाम का और भगवान राम के रूप का आश्रय ले लिया। और ऐसे एक रूप में जब सुग्रीव भक्त बन करके बाजू से लड़ने के लिए गए तब गोस्वामी जी ने कहा बहु छल बल सुग्रीव करी ही हारा भय मारी मारा बाली राम तब हृदय माज संतान का। भगवान श्री रविंद्र जो है अब भी वृक्ष की आड़ में खड़े, सामने भगवान नहीं आए, भगवान वृक्ष की आड़ में खड़े हैं और वहीं से बाली के ऊपर बाण का प्रहार करते हैं। अब इसका अभिप्राय क्या? भगवान मानो आगे चलकर के गोस्वामी जी स्पष्ट कर देते हैं छिप करके प्रहार करने का अर्थ क्या हुआ। तो आप इस दृष्टि से विचार करके देखिए कि आप श्री राम को क्या मानते हैं, ईश्वर मानते हैं या केवल मनुष्य मानते हैं? अगर मनुष्य मानते हैं
तो भी उस प्रश्न का उत्तर अलग प्रकार से दिया जा सकता है कि छिप करके उन्होंने क्यों मारा। लेकिन अगर श्री राम को हम अपनी आस्था के अनुकूल साक्षात ईश्वर मानते हैं तो ये बताइए कि ईश्वर जो जीव को के ऊपर जो प्रहार करता है, जो दंड देता है, वो छिप करके ही करता है कि सामने आके करता है? लोग इतने व्यक्ति मर रहे हैं, ये ईश्वर का बाण ही तो लग रहा, पर ईश्वर का बाण लग रहा है पर उस काल को, उस काल के बाण के चलाने वाले ईश्वर को तो हम नहीं देख पाते हैं। तो इसका अभिप्राय है कि वस्तुतः ईश्वर ने अपने उस रूप को वृक्ष की आड़ में छिपे हुए है। इसकी व्याख्या करते हुए गोस्वामी जी ने मेरे पितृगण ने कहा कि संसार जो है वो मानो एक वन है और संसार के वन में कर्म का वृक्ष लगा हुआ। संसार कांतारात घोर गंभीर वन, ग्रहण तब कर्म संकुल मुरारी, तब कर्म का वृक्ष लगा हुआ है और ईश्वर सामने नहीं है, वो वृक्ष सामने है और राम सामने नहीं। कर्म सामने है और कर्म के पीछे ईश्वर है, और जो ईश्वर के हाथ में धनुष और बाण है वो धनुष और बाण क्या है? बोले लव निमेश परमाणु दुग बरस कलप सरचंड भज सिर मन के राम पह काल जासु कोदन। ये जो समय है, काल जो है, यही भगवान का धनुष है और ये जो समय के टुकड़े हैं, आप एक घंटा हो गया, एक दिन हो गया, एक महीना व्यतीत हो गया, एक वर्ष हो गया, यही मानो भगवान का बाण है, मानो ईश्वर ने दूसरा परिचय दिया, मैं संसार में सामने नहीं आता हूं, सामने नहीं दिखाई देता हूं, केवल कर्म के आड़ से व्यक्ति के ऊपर काल के द्वारा, कर्म और काल ये जो है समय पर, कर्म का परिणाम भी काल के द्वारा ही प्राप्त होगा। कब भगवान का बाण आया और बाली को लगा। लेकिन फिर आगे चलकर के गोस्वामी जी ने संकेत किया कि न तो कर्म सिद्धांत के ईश्वर से ही पूरा संतोष मिलेगा। क्यों? अगर ईश्वर कर्म फल दाता है तो मनुष्य के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि कर्म जितने व्यक्ति करता है उसमें कुछ न कुछ अच्छाई और कुछ न कुछ बुराई होती है, और ये कर्म का जो अनादि काल से जो व्यक्ति के द्वारा कर्म होते रहे हैं और हो रहा है, अगर ईश्वर निरंतर कर्मों का फल ही देता रहेगा तो बेचारे संसार में जीव को कभी छुट्टी नहीं है। कहा एक न एक जैसे किसी व्यक्ति पर दो चार मुकदमे चल जाए तो परेशान हो जाता है, और यह इतने कर्म किए हैं कि अगर सबका ईश्वर निर्णय ही करने लगेगा, न्याय ही करने लगेगा तो जीव बेचारे को छुट्टी नहीं मिलेगी। तो अब आवश्यकता किसकी हो? अब गोस्वामी जी ने कहा बाली जब गिर पड़ा तो भगवान चाहते हैं तो बाली के सामने ना आते। लेकिन एक बहुत बढ़िया बात, क्या? बाली ने जब तारा को उपदेश दिया था तो उसके मुंह से निकल गया कि वैसे तो मुझे ही विश्वास है कि राम मुझे नहीं मारेंगे, पर अगर मुझे मार भी देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। तो ये बात जो निकली थी तो भगवान ने कल्पतरु की तरह दोनों पूरा कर दिया। कल्पतरु के नीचे उसने कहा कि ब्रह्म सम है तो पहले समता दिखाई, और उसके मुंह से निकल गया शायद मार दे। वो आपने कदा सुनी होगी कि कल्पतरु के नीचे कोई सज्जन पहुंच गए, भूख लगी थी, कल्पना की कि भोजन मिल जाता तो कितना अच्छा था, भोजन का थाला गया। भोजन करने के बाद इच्छा हुई पलंग मिल जाता तो कितना अच्छा था, पलंग भी सामने आ गया, और पलंग पर लेटे और चारों ओर देखा कि जंगल है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि बाघ आके मुझे खा जाए, तो बाघ आके खा भी गया। तो ईश्वर तो मानो कल्पतरु की तरह है, दोनों फल दिया। कल्पतरु के रूप में पहले समत्व का परिचय दिया और अब कल्पतरु के रूप में जब कदाचित मुझे मारन तो खुद हो सनाथ, अगर कदाचित मुझे मार भी देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। ये जो वाक्य निकला था तो प्रभु ने निर्णय किया। अब जो ईश्वर आता है बाली के सामने, वो भक्त सिद्धांत का ईश्वर है, वो वृक्ष की आड़ से निकले और वृक्ष की आड़ से निकल करके बाली के सामने आकर के खड़े हो गए, और तब बाली से नहीं रहा गया, थोड़ा अपने संस्कार शेष थे,
बाल ने भगवान को दुहाई दी, आपने छिप करके कि मुझे क्यों मारा, तो भगवान ने दो बातें बाली से पूछी, तुम मुझे ईश्वर मानते हो कि मनुष्य मानते हो, और यदि ईश्वर से मनुष्य मानते हो तो मेरे मनुष्य बनने का उद्देश्य तुम्हारी दृष्टि में क्या है। बाल ने कहा मैं तो आपको ईश्वर ही मानता हूं, और मनुष्य बनने का उद्देश्य ये मैं मानता हूं कि आप जो है धर्म की रक्षा करने के लिए, मर्यादा की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। तो भगवान ने दोनों संकेत सूत्र दिया। ईश्वर कभी सामने नहीं आकर के दंड देता, वो तो सर्वदा कर्म के परोक्ष रहकर के ही दंड देता है। और जब तुम ये मानते हो कि मैंने धर्म की रक्षा के लिए अवतार दिया है, तो जिसका आचरण धर्म के प्रतिकूल हो उसको दंड देना ये मेरे लिए बाध्यता है, और इसीलिए मैंने तुम्हें दंड दिया। बस मानो दो सूत्र बड़े महत्व का है। अगर केवल हम ईश्वर को कर्म फल दाता मान ले तब तो कभी भी मनुष्य को छुट्टी नहीं मिलने वाली है, वो कर्मों का फल भोगते भोगते अनाधिकार से ले जाने कब तक भोगता चला जाएगा, और उस चक्कर से छुट्टी नहीं मिलेगी। और अगर वेदांत के ब्रह्म को सम मान ले तो देखता रहेगा, और हमें संकट में देख करके भी हमारी रक्षा नहीं करेगा। इसीलिए सुग्रीव की समस्या का समाधान तब हुआ जब भगवान भक्तों के रक्षक बन गए, भक्तों के पक्षपाती बन गए। मैं तुम्हारा पक्ष लेकर के बालिका वध करूंगा, और बालिका भी कल्याण का हुआ, कल्याण तो दोनों का हुआ, समर्थ भी अपने स्थान पर बना रहा है। यह ना समझ लीजिएगा कि अगर भक्तों का ब्रह्म विषम हो जाएगा तो फिर उसके स्वरूप में दोष आ जाएगा। क्या जहां तक संबंध स्वरूप का है, दोनों के प्रति समत्व है, दोनों का परम कल्याण हुआ, तब दोनों का सुग्रीव का भी कल्याण हो गया और बाली का भी। बाली ने तुरंत भक्तों के जो भगवान है उनका आश्रय लिया। बाली ने भगवान से यही कहा कि प्रभु मैंने कर्म सिद्धांत के ईश्वर की दुहाई दी तो भी मैं सिद्ध हो गया ये अपराधी, वेदांत सिद्धांत की दृष्टि से मैं ज्ञान के सिद्धांत का दुरुपयोग कर रहा था, लेकिन अब तो मैं आपको भक्तों के भगवान के रूप में जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कई आवत नहीं, आपका मंगलमय राम नाम मेरे मुंह में है, आपका रूप जो है वो मेरे सामने है, और आपके नाम और रूप के होते हुए भी क्या आप भी मैं पापी बना हुआ। कहा सुनो राम स्वामी सन चल चातुरी मोर प्रभु अज हूं मैं पापी अंत काल गति तो, क्या मैं अब भी पापी हूं जबकि अंत काल में आप मेरे समक्ष है। का भगवान श्री राघवेंद्र तो बाल के वस्त्र पर हाथ रख देते हैं और कहते हैं अचल प्रवचन राखो प्राण। अभिप्राय ये है, ये जो भगवान शंकर ने ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया है, वेदांत के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा झूठ और सत्य जाहि बिन जाने, जिन भुजंग बिन रज पहचाने, जेहि जाने जग जाई हराई जागे यथा सपन ब्रह्म जाई। ये तो वेदांत की व्याख्या, लेकिन मोहन कहा दिया तो बंदरू बाल रूप सोई राम, वो जो वेदांत का ब्रह्म है वो भक्तों की प्रार्थना से वशीभूत होकर के नन्ना बन जाता है, बालक बन जाता है। उन बालक राम की मैं वंदना करता हूं, और वंदना करने के साथ शंकर जी ने उनके नाम का फल बताया। दशरथ के आंगन में जो खेलने वाले और जिनका राम नाम ऐसा राम नाम है कि जिस राम नाम को लेने से मनुष्य के जीवन के समस्त अमंगल दूर हो जाते हैं, जिन भगवान का नाम लेने से समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, ये जो नाम और रूप वाले हमारे प्रभु हैं, का शंकर जी उन नाम और रूप की महिमा का प्रतिपादन जिन शब्दों में करते हैं उसकी चर्चा हम कल से प्रारंभ करेंगे। आइए बोलिए।